हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का सीन ऐसा है कि ये व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं सुबह 4 बजे। देख सकते हो चारों ओर अंधेरा है अभी, जो कि मैं अभी आया था ना आज मंडी से वार्म अप और रनिंग वगैरह करके। आपने लास्ट व्लॉग में देखा होता कि हम रनिंग करने के लिए जाते हैं अनाज मंडी में। मैं आज अकेला ही नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, छोटे छोटे बच्चे भी कॉलोनी के सारे। तो आज का व्लॉग हम करने वाले हैं लड्डू गोपाल के बारे में। लड्डू गोपाल की मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियो डाली हैं, बट आज मैं डालने वाला हूँ श्रृंगार, उसको नहलाते कैसे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। मैं अपने बच्चों से मिलाता हूँ जो कि हमारे साथ थे, हमारे सारे फ्रेंड्स बच्चे छोटे लोग दिखाते हैं, सारे आगे हैं अभी खड़े हैं। मैं मिलाता हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स से। ये है काव्यांश जो कि सुबह अभी नींद से उठ के आया है। ये इसकी बहन हिमांशी, ये मान्या जो कि छुप रही है, ये कृतिका और ये काव्या। तो ये मेरे एक और फ्रेंड है जिसका नाम है भावित, देख सकते हो आप। ये भी हमारे साथ अभी सुबह गए था। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ एक और दोस्त गया था हमारा जिसका नाम है भावित। हेलो गाइस। तो फ्रेंड्स, मैं अपने घर के अंदर आ चुका हूँ, देख सकते हैं। और अभी लड्डू गोपाल को जगाना पड़ेगा हमको, तो चलते हैं गाइस जगाने के लिए, जो कि इस वाले रूम में दिखाता हूँ आपको। हम इनके लिए पर्सनली बेड वगैरह रखते हैं, ये हमने पर्दा हटाया और चलते हैं गाइस। ये पंखा चल रहा है, लाइट ऑन करते हैं। ये पर्सनली इनका बेड है जो कि ऊपर पंखा चल रहा है, नीचे ये सो रहे हैं। तो पहले गाइज इनको पहले मैं जगाता हूँ, उसके बाद आपको आगे वीडियो कंटिन्यू कराएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इनको जगा दिया है, देख सकते हो सुबह का कुछ ऐसा फेस आउट है इनका, देख सकते हो आप अभी। तो फ्रेंड्स, अभी हमने इनको जगा लिया है, इसके बाद अब इनको नहलाएंगे। तो नहलाने की प्रक्रिया अभी आपको दिखाते हैं, उससे पहले अभी हम जा रहे हैं फूल तोड़ने के लिए इनके लिए। तो चलते हैं गाइज फूल तोड़ने के लिए। पहले मेरी आपसे फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते समय आप सबसे पहले नहा लें, जो कि मैं नहा के फ्री हो चुका हूँ। बहुत लोग सोच रहे हैं कि मैंने नहाने की वीडियो नहीं दिखाई, नहाने की वीडियो में क्या दिखाना गाइस। तो सबसे पहले यही बात है कि नहाओ, उसके बाद लड्डू गोपाल की सेवा करो, क्योंकि खुद नहाओ, फ्री हो जाओगे, फ्रेश हो जाओगे, तो ही उनकी सेवा कर पाओगे, अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, ये बस एक ही बात है कि नहाओ पहले, उसके बाद सारा कुछ करते हैं। तो चलते हैं गाइस फूल तोड़ने की ओर। 2000 years later। तो फ्रेंड्स, हम फूल तोड़ने के लिए आ चुके हैं, देख सकते हो अभी से फूल स्टार्ट हो चुके हैं, आगे दिखाते हैं और आपको। तो फ्रेंड्स, ये रहे और बाकी फूल बहुत ज़्यादा है। तो पहले फूल तोड़ते हैं, दिखाते हैं फूल कौन कौन से आगे जाकर। और तो फ्रेंड्स, देख सकते हो कितनी घनी तुलसी है, कितनी गहरी भी पड़ी है तुलसी, देख सकते हो। पहले इसके पत्ते तोड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इन फूलों के नाम नहीं पता, देख सकते हो कितने बढ़िया फूल है पिंक कलर के। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ फूल तोड़े हैं, अभी आगे जाके और तोड़ते हैं सफ़ेद वाले जो हमने आते वक्त आपको दिखाए थे। तो फ्रेंड्स, हमने सफ़ेद फूल भी तोड़ लिए हैं, तो अभी हमें इतनी ही फूलों की आवश्यकता है, बाकी देखेंगे बाद में। ये वाइट फूल आ चुके हैं, देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, लड्डू गोपाल को पहले नहलाने से पहले हमको इस प्रकार की कुछ थाली चाहिए, एक थाली चाहिए। और इसमें नहलाने से पहले इसमें हमें साथिया बनाना होगा, जो कि अभी आपको बना के दिखाता हूँ मैं साथिया। तो फ्रेंड्स, ये मैंने साथिया बनाया, थोड़ा सेंटर में नहीं बना, लेकिन इस प्रकार का साथिया बनाया जाता है। बाकी मैंने सारी व्यवस्था कर दी, ये फूल, ये तुलसी, ये जो कपड़े पहनाने वाला हूँ, ये लड्डू गोपाल जी, ये दूध वगैरह जो इससे नहलाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लड्डू गोपाल जी को बैठाया जाता है, जो कि आपको दिखाते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को बैठा दिया सेंटर में, तो अब इनको नहलाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके ऊपर दूध से नहलाना होगा, सबसे पहले हमें, ये रहा दूध, देख सकते हो अभी ताज़ा ताज़ा दूध अभी निकलवा के मैं खुद आज डेयरी जाकर गाय से दूध लेकर आया था, क्योंकि हमारे पास तो गाय है नहीं, तो डालते हैं गाय से दूध। फिर इनको थोड़ा बहुत मसलना चाहिए, थोड़ी बहुत मैल वगैरह हो गया उनके, पता नहीं। तो फ्रेंड्स, मैंने दूध से इनको नहला दिया है, अब इनको पानी से नहलाते हैं। बहुत लोग तो पंचामृत से नहला सकते हैं इनको, लेकिन मैं डेली पंचामृत से नहीं नहलाता, हफ्ते में सिर्फ एक बार पंचामृत यूज़ करता हूँ, बाकी दिन मैं दूध और पानी यूज़ करता हूँ। तो अभी इनके ऊपर पानी गिरते हैं गाइस, ये पानी, फिर थोड़ा मसलना। तो फ्रेंड्स, अब लड्डू गोपाल जी को नहला कर हमने एक साफ सुथरे कपड़े पर रख दिया है। आप चाहे तो इनको पीप सकते हैं, या फिर घर के आसपास या घर में कोई छोटा पौधा हो तो उसमें इसको डाल सकते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स, अब इनको पोंछते हैं, जो इनके ऊपर पानी वगैरह बच रहा है थोड़ा बहुत।
तो फ्रेंड्स हमने इनको पहुंच दिया है, अब इन्हें ड्रेस पहनाते हैं। ये रही इनकी नीले कलर की आज की ड्रेस, तो इनको पहनाते हैं गाइस ड्रेस। तो फ्रेंड्स हमने इनको ड्रेस पहना दिया, देख सकते हो आप। तो अभी इनका बाकी श्रृंगार करते हैं, पहले इनको कुंडल पहनाते हैं गाइस। तो फ्रेंड्स हमने इनको कुंडल पहना दिया, ये रहे गाइस कुंडल, ये रहे और ये रहे, देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी से देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं। बाकी और तैयारी करते हैं इसके साथ। तो फ्रेंड्स अब बारी है इत्र की, इनकी आंख बचाकर हमने इनको इत्र डालना होगा, देख सकते हो इस प्रकार से इनकी आंख बचाकर, जो कि डल चुका है देख सकते हो, खुशबू आने लगी हमको भी सही। अब फ्रेंड इनको माला पहनाते हैं, ये रही माला, देख सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हमने मुकुट वगैरह पहना के बिल्कुल रेडी कर लिया इनको, देख सकते हो आप अभी से कितने सुंदर लगने लगे हैं। पूरा इनका मैके हो चुका है गाइज, और अब इनकी पूजा हो गई। फ्रेंड्स पूजा पूरी खत्म हो चुकी है, पूजा के बाद दीपक वगैरह करना जरूरी है, जो कि मैंने कर दिया है लेकिन वीडियो में नहीं दिखाया। तो इतना ही व्लॉग था, आई होप आपके छोटे सा व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और नए हो मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइज, क्योंकि ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहते हैं हर वीक। तो बाय गाइज़।